हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग गेमर्स और फार क्राई 5 गेम प्ले के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम खेल रहे थे फार क्राई 5। सो गेम के अंदर हम अनलॉक कर चुके थे चॉपर को। यहाँ पे मुझे एक चॉपर मिल गया है और चॉपर, बाकी सारे चॉपर्स मैं अभी परचेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बजट उतना नहीं है। इस चॉपर में माउंट है भाई, बड़ी वाली गन। वाह, इसमें मशीन गन माउंट है और इस चॉपर से मैं जाऊँगा और दुश्मनों के इलाके में घुस के काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाऊँगा। और मेरे पास है एक ज़बरदस्त गन। तो भाई चलते हैं अपने मिशन की ओर, चॉपर में चढ़ते हैं और इसको चलाते हैं और जाते हैं दुश्मनों को किल करने के लिए। तो फटाफट से चढ़ते हैं चॉपर के अंदर। अब यहाँ से मुझे उड़ान भरनी है, तो पहले भाई मैं ड्राइविंग सीट पर आ जाता हूँ और इसमें गन माउंट है और देखिए ये इस तरह से उड़ता है। वाव, ऐसा लग रहा है कि सच में चॉपर उड़ा रहा है भाई, क्या नज़ारा है। वाव, फटाक से ऊपर चली गई है। और अब मुझे नक्शे में देखना होगा, मैप में, कि कहाँ मुझे जाना है। तो मैप ओपन कर लिया मैंने और मुझे अपना डेस्टिनेशन अभी सेट करना होगा और कहाँ जाना है मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है। ओके, तो इस लोकेशन पर जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ पर कुछ है। ओ, आई थिंक लोकेशन चेंज करनी होगी, मुझे इधर नहीं इधर जाना है। वहाँ पे जोसेफ सीट का एक अड्डा बना हुआ है, तो उस अड्डे को तबाह करने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन नीचे भी कुछ घर वगैरह दिख रहे हैं और यहाँ पर हो सकते हैं दुश्मनों के इलाके। तो पहले यहाँ तबाही मचाऊंगा, उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पर जाऊंगा। रास्ते में जो भी आए उसको तबाह करते चलना है मुझे। तो भाई यहाँ पर भी दुश्मनों का अड्डा बना हुआ है, आई थिंक नहीं। ओ, यहाँ पे घरों पे मैंने बम्स गिरा दिए हैं और यहाँ पे तबाह होता हुआ। लेकिन यहाँ पे अपना गोला बारूद बर्बाद ना करके मुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर भी दुश्मनों का अड्डा बना हुआ था, तो यहाँ उड़ चुका है सारा का सारा, हो गया है ब्लास्ट। सामने मेरा डेस्टिनेशन है तो उधर चल लेता हूँ भाई मैं। ओके, तो यहाँ से थोड़ा नीचे नीचे उड़ाना होगा क्योंकि यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह भी दिख रहे हैं और ये सारे जोसेफ सीट के क्रॉप्स हैं, तो ड्रग्स वाले क्रॉप्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ सिविलियन भी है। ओ भाई, इनोसेंट पीपल पे अटैक नहीं कर सकते। ओ, यहाँ पे इनोसेंट पीपल्स की गाड़ी है तो उनको अटैक नहीं करना है। यहाँ पर मुझे एक गाड़ी दिख रही है, दुश्मनों की गाड़ियाँ हो सकती है नीचे। लेकिन आगे बढ़ते हैं हम अपने मेन टारगेट की ओर और जस्ट पेड़ों के ऊपर से। ओ भाई, ये गाड़ी जा रहा है, इसको पहले यहाँ पे मैं उड़ाता हूँ यार, इसको ब्लास्ट करता हूँ। तो ये दुश्मनों की गाड़ी है और एक गाड़ी वहाँ पे आ गई और ये नीचे ब्लास्ट कर गया। यहाँ पे भी क्रॉप्स लगे हुए हैं, तो ये ड्रग्स वाले क्रॉप्स हैं। और यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसको भी मैं बम से उड़ा देता हूँ। तो यहाँ पर भी ये हो गया है ब्लास्ट और मेरा लोकेशन अभी कुछ ही दूरी पर है। वहाँ पे जाके मुझे ताबड़तोड़ तबाही मचानी होगी क्योंकि वो है जोसेफ सीट का अड्डा और वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे होंगे। और यहाँ पे भी नीचे जंगल के बीच में घर बना हुआ है, लेकिन वहाँ नहीं जाना है, मुझे जाना है इस तरफ। तो मुझे धुआं दिखाई दे रहा है यार, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचानी होगी। यहाँ लैंड नहीं कर सकते क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, तो चॉपर से मुझे अटैक करना होगा और अटैक करके यहाँ पर कब्जा करना होगा। ओ भाई, यहाँ पर जवाबी फायरिंग शुरू हो गई यार, मुझ पे मिसाइल मारना शुरू कर दिया इन्होंने और मैं इनके निशाने पर हूँ। लेकिन अभी इनका जो सिग्नल टावर है उसको मुझे अटैक करके तोड़ना होगा ताकि ये किसी भी प्रकार से मदद ना बुला सकें। तो यहाँ पे हो गया है काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट। ओके, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी है मैंने और काफ़ी सारे एनिमीज अब आ गए हैं यार। उनका आ गया है यहाँ पर री इन्फोर्समेंट सिस्टम, तो मुझे अपना जगह चेंज करना होगा, पोजीशन बदलनी होगी। अगर एक जगह पे मैं हेलीकॉप्टर लटकाए रखूँगा तो मैं शिकार बन जाऊँगा इनकी गोलियों का। और क्रॉप्स में आग लग चुकी है। ओके, तो दुश्मन मुझे दिख रहे हैं, मुझे शायद चॉपर थोड़ा सा और नीचे ले जाना चाहिए। ओके, तो थोड़ा सा और नीचे लेकर जाता हूँ यहाँ इस तरफ। भाई पेड़ वगैरह है तो दिक्कत हो सकती है, पेड़ में फंस सकता है चॉपर। ओके, तो जगह मैंने बदल ली है, अपनी पोजीशन बदल ली है और यहाँ पर पूरे क्रॉप्स को मैंने जला डाला है भाई। इनके अड्डे पर अब कोई नहीं बचा है, लेकिन इनका री इन्फोर्समेंट सिस्टम अभी आने वाला है आई थिंक। सो यहाँ पे अटैक बनानी होगी। अभी भी मैंने एरिया कवर नहीं किया है, कब्जा नहीं हुआ है हमारा और मेरा ग्लास टूट गया है यार। तो चॉपर का ग्लास टूट गया है, थोड़ा सा और नीचे जाता हूँ। यहाँ पर दुश्मन दिख रहे हैं मुझे, नीचे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये ले। अब ये हो गया इसका काम तमाम। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमीज़ को मैंने अभी किल किया है। ओ भाई, गाड़ियाँ आ गई है और काफ़ी सारे री इन्फोर्समेंट यहाँ पर आ पहुँचे हैं, तो उनको मुझे पहले किल करना होगा। तो री इन्फोर्समेंट इन्होंने बुला लिया है क्योंकि मैंने सायरन्स वगैरह को अटैक करके तोड़ा नहीं था।
लेकिन कोई नहीं, मैं हूँ चॉपर के अंदर और इनको आसानी से किल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो गया है खेल ख़त्म और इस जगह पे हमारा कब्जा हो चुका है अब। सो जोसेफ सीट के लोगों को यहाँ से हमने खदेड़ दिया है और सारे लोगों को किल कर दिया है और यहाँ पे मुझे अब चॉपर को नीचे उतारना होगा और इस लोकेशन का मुझे जायज़ा लेना है। तो यहाँ मैं चॉपर लैंड कराता हूँ इस जगह पर और देखता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो भाई चॉपर यहाँ उतर चुका है और यहाँ पे मेरे लोग मंडरा रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कब्ज़ा हो गया है। और मैं अपना फाइटर शायद चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास है डॉगी। तो अब यहाँ से चलना चाहिए और मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा कब्ज़ा हो चुका है। तो यहाँ से मैप से देखता हूँ कि कहाँ जाना है मुझे। ओके, तो नेक्स्ट टारगेट मुझे होप काउंटी जेल दिख रहा है, लेकिन उसके पहले मैं वहाँ पहुँचने के लिए फास्ट ट्रेवल का यूज़ करूँगा और यहाँ बाइक के थ्रू जाऊँगा मैं। तो ये मुझे मिल गई है एक फोर व्हीलर वाली मोटरसाइकिल, भाई ये फोर व्हीलर ड्राइवर, और यहाँ से रास्ता दिख भी गया है मुझे। तो रास्ता इंडिकेशन दिखा रहा है, अब इसी को फॉलो करते हुए मुझे जाना है क्योंकि इस जगह से चॉपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने ये रास्ता चुन लिया है मोटर बाइक वाला। और इसमें भी मज़े ही मज़े हैं, कोई बात नहीं, चॉपर हम नेक्स्ट मिशन में यूज़ करेंगे। अभी चॉपर अवेलेबल नहीं है तो चॉपर का यूज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, तो बाइक का मज़ा लेते हुए मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ और रास्ते में जो भी आए उसे कुचल देना है। तो भाई रास्ता और कितनी दूर है, तो रास्ते पर तो हूँ मैं, लेकिन हमारा लोकेशन कितनी दूर है ये नहीं समझ आ रहा है। ओ भाई ये लोग कौन है? ओ तो ये तो जोसेफ के लोग हैं और ये मेरे पीछे पड़ गए हैं यार, लेकिन शूट कर देता हूँ इन लोगों को। हो गया इनका खेल ख़त्म। ओ भाई यहाँ क्या हो रहा है यार, तो रास्ता यहाँ से ख़त्म हो गया है इंडिकेशन और ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है, इसको पहले किल करता हूँ। तो ये हो गया इसका काम तमाम। एक ट्रक आ रहा है भाई, ट्रक के अंदर भी हो सकते हैं काफ़ी सारे एनिमीज़, और हाँ एनिमीज़ तो है ट्रक के अंदर, तो इनको पहले किल करना होगा तब जाके मैं यहाँ से भाग पाऊँगा। ओके, तो मेरी बाइक का है भाई, बाइक यहाँ है यार, काफ़ी दूर चली गई है बाइक। ओके, तो रास्ते का इंडिकेशन फिर से दिख गया है मुझे, अब यहाँ से आगे बढ़ना होगा और आगे जा रहा है एक और ट्रक, लेकिन मुझे इस तरफ जाना है, इधर मुड़ना है। तो भाई तो और कितनी दूर है यार, 500 मीटर की दूरी पर है अभी भी, तो काफ़ी दूर है वैसे, लेकिन कोई नहीं है, मैं जल्द से जल्द पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो जोसेफ के लोग पहले से खड़े हुए हैं भाई, और ये जोम्बी जैसा कौन आ गया यार, ये तो जोम्बी जैसा दिख रहा है। ओ भाई ये तो ड्रग्स के नशे में धुत है। तो जोसेफ की आर्मी काफ़ी अग्रेसिव है और इनका हथियार मैं छीन लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ी वाली गन ले लेता हूँ, ये UZI लग रही है मुझे, और UZI ज़्यादा बेटर है छोटी वाली गन से, तो UZI मैंने उठा लिया। और यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं बंदे। ओ भाई ये क्या है भाई, ओ वहाँ पर भालू था यार, ओह तो मुझे उसको फॉलो करना चाहिए। वहाँ पे एक बियर दिख गया है मुझे, जंगली बियर, तो बियर को मुझे यार मारना होगा, मारना है कि क्या करना है इसको। गया कहाँ बियर, इधर ही कहीं था वो, तो बियर को ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई बियर यहाँ, इसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता हूँ। ओ भाई बच गया यार, और ये मुझ पर अटैक करने आ रहा है, लेकिन ओ बियर जो गई टक्कर, अब फिर से अटैक बनाने वाला है, उसके पहले मैं इसी पर अटैक बनाऊंगा यार। तो ये ले, ये तो गाड़ी ही डैमेज कर देगा, इतना ख़तरनाक है काफ़ी ज़्यादा, ये ग्रिजली बियर है भाई, ग्रिजली बियर, ये ले। तो बियर मरा या नहीं मरा, फिर से गाड़ी मोड़ता हूँ, मरा नहीं है यार इस बार, तो ये ले, हो गया इसका काम तमाम। तो गाड़ी से ही कुचल दिया यार बियर को मैंने, और ये मर गया बेचारा बियर, इसका स्किन ले लेता हूँ, तो इसका खेल ख़त्म, क्योंकि ये अटैक कर रहा था मुझ पर और मुझे अपनी जान बचानी थी, तो मैंने बियर को ही यहाँ पे ढेर कर दिया और उसका स्किन मैंने ले लिया है। तो स्किन सेल करके मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और मैं अपना वेपन अपग्रेड कर पाऊँगा। तो इस गेम के अंदर आपको मिलते हैं काफ़ी सारे ख़तरनाक एनिमल जिनका स्किन आपको लेना होता है, और भी कई सारे चीज़ें आपको करनी होती है जंगल के अंदर। और मैं पहुंच रहा हूं अपने लोकेशन पर, तो इस जगह पे मुझे कब्ज़ा करना है। यहां तो काफ़ी सारे दुश्मन दिख रहे हैं भाई, एक तो ब्लास्ट हो गया वहां पर, तो इधर ही उतरना होगा मुझे और यहां चुपके से आगे बढ़ना होगा।
ओ भाई यहाँ पे तो अफरा तफरी मची हुई है, काफी ज्यादा तबाही, यहाँ पे आग जली की घटना हो चुकी है पूरी तरह से। ओ भाई यहाँ चल के आ रहा है यार, किसके ऊपर कौन गोली बारूद बरसा रहा है समझ नहीं आ रहा है। ये हो गया, ओह दुश्मन इधर से मुझ पर अटैक बना रहे हैं यार। तो बम फेंकता हुई और UGI को लोड करता हूँ। ओ भाई यहाँ चारों तरफ गोलाबारी हो रही है। तो ये ऑफिस जैसी जगह पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे हो क्या रहा है यार, यहाँ पे आई थिंक मेरे लोग पहले से पहुँच चुके हैं और वो दुश्मनों पर अटैक बनाए हुए हैं। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक दुश्मन दिख रहा था, मैंने उसे किल कर दिया और बम वगैरह मारता हूँ यार। ओके तो ये तो अपने ही दल बल के लोग हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई है और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर इन्होंने किल भी कर दिया और हमारे लोग भी जख्मी हो गए हैं। ओके तो यहाँ पे शायद अटैक होने वाला है दुश्मनों का, तो मुझे फटाफट से अपना पोजीशन बनाना होगा। तो मैं चढ़ता हूँ इस दीवार के ऊपर और यहाँ मुझे अपनी पोजीशन बनानी होगी क्योंकि यहाँ पे आने वाले काफ़ी सारे एनिमीज़। सो एनिमीज़ किसी भी वक्त आ सकते हैं और उनको किल करना है, तो हमें यहाँ पे तैयारी करनी होगी। थोड़ी गोला बारूद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को गेम प्ले का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जबरदस्त गेम प्ले के नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।